नमस्कार, आप सभी का खोज खबर में स्वागत है। आज हम आए हैं नई दिल्ली के मंडी हाउस पर। आज हम जनता की राय जानने आए हैं कि प्रधानमंत्री का ताज किसके सर होगा, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। आइए जानते हैं जनता की राय। ये हमारे मोदी जी जीतेंगे, नरेंद्र मोदी जी ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में जो उग्रवाद था वो कम हो गया है, हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। कौशल योजना, उज्ज्वला योजना, जो चूल्हा से चूल्हा जलाया जाता था हर गाँव में, अब वहाँ सिलेंडर गैस चूल्हा हो गया है, आँखों में धुआं नहीं लगता है, हैं, और महंगाई तो कम हो गई है, थोड़ी सी महंगाई भी कम हो गई है। मोदी जी ने अच्छे अच्छे काम करे हैं, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री हैं। ऑल ओवर कंट्री में उन्होंने अच्छे रिश्ते कायम किए हैं। पुलवामा वाला कांड देख लो, नोटबंदी का हिसाब किताब देख लो, जिन लोगों के पास में नोट जो जुड़े पड़े थे, जो पहले से जो किसे कहते हैं, जो क्या कहते हैं, ब्लैक मनी, वो बाहर आई है। अभी स्किल जो इन्होंने जो कार्य खोला था, स्किल डेवलपमेंट का जो कार्य करा था, वो लोगों के अंदर वो हो रहा है। 5 लाख की जो परियोजना चालू करी है, योजना चालू करी है, उनसे लोग लाभार्थी हो रहे हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, अब क्या क्या हम गिनवाएं, लेकिन ये है कि जो देश को जो एक सशक्त प्रधानमंत्री जो चाहिए, वो आज नरेंद्र मोदी के रूप में दुनिया देख रही है। और प्रधानमंत्री जो चाहिए भारत को, प्रधानमंत्री जो चाहिए नरेंद्र मोदी जी चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। पप्पू के हाथ में दे नहीं सकते, आप समझ रहे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ खोज खबर चैनल का, और मेरे मित्र राजेश जी जिनके नेतृत्व में आप यहाँ आए, और ताज तो मोदी जी के सर पे अच्छा लगता है और लगता रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने कार्य करे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मैं उनको सशक्त प्रणाम करता हूँ और मोदी जी को प्रणाम करता हूँ। मोदी जी ने हमारे देश का तिरंगा ऐसा लहराया है, जहाँ भी जाए तिरंगा ऐसे लहराए, और नहीं तो कांग्रेस बैठी थी, जब आपने देखा था कि तिरंगा मनमोहन सिंह को देहाती और तो बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, और मोदी जी ने भी कहा भाई गलत है जो ऐसे तुम बोल रहे हो, और पाकिस्तान का भी मुँह नीचा किया, चाइना का भी मुँह नीचा किया। चाइना को तो चीनी की तरह घोल के पीने वाला जो मैटर है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि चाइना का कोई भी सामान है वो ना ले तो बहिष्कार कर दे, अच्छा है। पाकिस्तान का बहिष्कार कर दे, अच्छा, को ना तो किसी चीज़ को नहीं बुलाए, ना तो उनके कलाकारों को बुलाए, ना उनके स्पोर्ट्समैनों को, और ना उनका कोई भी लेन देन नहीं करे। हिंदुस्तान तो बहुत बढ़िया है, और मोदी जी तो, और भारतीय, जब से मोदी जी आए ना, जब से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है और लहराता रहेगा। जो मोदी जी ने जो अथक प्रयास किए ना, इससे अच्छा प्रधानमंत्री ना तो आया ना आएगा। और भ्रष्टाचार पर तो खासकर लगाम लगाई है, आप देख रहे थे कि कितना कह रहे हैं कि महंगाई महंगा नहीं, महंगाई तो बिल्कुल कम हो गई, कौन कहता। अगर कांग्रेस होती तो 400 रुपये किलो चीनी होती, और स्पोर्ट्समैनों को 65 मेडल आए हैं। आप ये देखो पूरे हिंदुस्तान में 65 मेडल कम नहीं होते, चाहे एक मेडल आता था वो सतपाल लेके आए थे एशिया में, और अब 65 मेडल 65 बार ये देखो कि सीधा कर दिया, क्योंकि बीच में खा जाते थे, बीच का काम समाप्त कर दिया ना मोदी जी ने, शिक्षा के मामले में भी अच्छा, और अब मोदी जी रोजगार देंगे। महागठबंधन से क्या फर्क पड़ सकता है? नहीं नहीं कुछ नहीं पड़ेगा, वो अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि जो चोर छटपटाते हैं ना, जिनके हाथों कुछ नहीं लगता, वही गठबंधन करते हैं, और जो अच्छा वो देश के लिए अच्छा कार्य करे, जो सशक्त आदमी है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया, तो कितने लोग जलते थे। तो हम तो यही चाहते हैं कि मोदी जी का सदा बोलबाला रहे, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं चाहता हूं हमारे मंडी हाउस के कलाकार है, मोदी जी इनके बारे में भी सोचे, यहाँ पे अच्छी सुविधाएँ दे, और कलाकारों का काफ़ी कुछ बहुत ही सहयोग रहा है बीजेपी को लाने में, और रहेगा, क्योंकि कलाकार देश को जागरूक करता है और जवान देश की रक्षा करता है। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए अपने शब्द को विराम देता हूँ। मेरे मित्र भी खड़े हुए हैं यहाँ, जिन्होंने काफ़ी फिल्में करी हैं, मैं एक खुद कलाकार हूँ, राकेश, ये भीम, और काफ़ी पुराने आर्टिस्ट हैं यहाँ के, ये भी बताएंगे कि हम तो चाहते हैं इस बार मोदी जी आएंगे। उपचुनाव खराब हो जाता है तब याद आता है कि नहीं नुकसान हो गया, क्योंकि ये बीजेपी कोई प्लानिंग के साथ काम नहीं करती। इसने नोटबंदी करी, उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, 100 आदमी मर गया, उनको 1 रुपया नहीं दिया, और जवानों को 5 लाख, सिपाही को 5 लाख, हर किसी को 1 करोड़, पर जो मेन आदमी वोटर है उसके लिए 1 रुपया भी नहीं, वो मर जाता है बेचारा, लावारिस में चला जाता है, उसके लिए कुछ नहीं सोचती है बीजेपी सरकार, सोचती है रिलायंस और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनकी सोचती है उनको कितना पैसा दिया जाए और फिर वो देश से भाग जाए,
और फिर भागने के बाद आ जाता है, अरे चोर तो भाग गया। अब चोर तो तुमने ही बनाया, कैसे कागज पे? एक शरीफ आदमी कोई बैंक में अकाउंट खोलता है उसका तो खोलते नहीं है, और एक बेईमान फटाक से अकाउंट खोल के करोड़ रुपए कपड़ा करके निकल जाता है, वो कैसे निकल जाता है? आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? हम ये कहना चाहते हैं कोई भी प्रधानमंत्री बने कोई प्लानिंग के साथ काम करे, ना कि कोई भी नियम ठोक दे सब पब्लिक पे, जैसे जनरल डायर की तरह उड़ा दो गोली से, बात कितने मर के कोई मतलब नहीं। इसके सर पे ताज देखना चाहते हैं? ताज तो हम मोदी जी के सर पर ही देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 5 सालों में उन्होंने इतना काम किया है देश की जनता के लिए, देश के लिए, जिसका इस छोटे मुंह से बखान नहीं किया जा सकता। जैसे कि बहुत काम है, सड़कों का ले लीजिए, डेवलपमेंट का ले लीजिए, गर्भवती महिला के लिए जो आज तक किसी ने नहीं सोचा, मोदी जी ने 6,000 रुपये दिए हर प्रेगनेंट महिला के लिए, और इलाज के लिए गरीब आदमी के लिए 5 लाख रुपए दिए, गरीबों को गांव में रहने के लिए 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए दे रहे हैं, पक्के कच्चे मकानों को बनाने के लिए, पक्के मराने के लिए, और शौचालय बन पाए, क्या क्या काम किया, अनगिनत काम किया, लोगों को तो पता ही नहीं है कि उन्होंने इतने काम किए। इसलिए हमें मोदी जी पर नाज है और भाई प्रधानमंत्री जी ये तो मोदी जी ही रहेंगे प्रधानमंत्री आगे भी आने वाले। आपने देखा जनता की क्या राय है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि किसके सर होता है प्रधानमंत्री का ताज। आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके सर होता है प्रधानमंत्री का ताज। और आप लगातार खोज खबर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।